स्टूल पे मैं ये रख रही हूँ, ये वाला लैम्प, ये देखो, ये जो फ्रेम है ये जाएंगी इस वाली वॉल पे। गाइस अभी मेरे को ये एक पार्सल मिला है जो कि मेरा प्रमोशन वीडियो के लिए है। अभी मेरे को नहीं पता है कि इसके अंदर क्या है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय नदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए और मैं भी ठीक हूँ। आज गाइस डेली मेरा एक्सेल डे होता है, तो आज मेरा सब एक्सेल डे है। तो हमें अपने रूम को पूरा अच्छे से साफ करना है, कपड़े वपड़े धोने हैं और फिर मस्त तरीके से रहना है और साथ में गाने सुनने। मैंने अभी तक ये स्लीपर भी पैक नहीं करी, ये भी ऐसे ही पड़े हैं, ये भी ऐसे ही पड़े हैं। देखो 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 मेरा कमरा देखो आप, तो ऐसे साफ करती हूँ उसको मैं। टैक तो जल्दी जल्दी से अपना रूम साफ करती हूँ। नहा के आ गई हूँ और आज मन है कि अपने रूम को ना थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँ। तो मेरे पास कुछ डेकोरेटिव पेस वगैरह कुछ रखे हुए हैं, कुछ सामान है डेकोरेशन का, तो मैं आज उसी से ही अपने रूम को डेकोरेट करने वाली हूँ। और जो ये फ़ोटो फ्रेम्स थी, ये अब मैंने डिसीज़न लिया है कि मैं इनको नहीं चेंज कर रही हूँ। मतलब कि है ये बड़ी बेकार सी, मतलब देखने में बहुत सुंदर है बट बहुत ज़्यादा हल्की फुल्की सी है, लेकिन वॉल पे ही लगानी है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये टूट जाएगी या कुछ होगा, तो मैं इसको वॉल पे आज लगा दूंगी। मैं चेंज इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर कोटद्वार में देखा तो मेरे को कोई सीनरी कुछ भी मिला ही नहीं, तो मैंने सोचा कि इसी को ही रख देती हूँ। और स्टूल पे मैं ये रख रही हूँ, ये वाला लैम्प, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। और अगर इसको साइड में करके इसको भी इसके साथ में रख दूँ तो मुझे लग रहा है कि अब ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। ये जो फ्रेम है ये जाएंगी इस वाली वॉल पे। और इधर की साइड मैंने ये कुछ रखा है, ये डेकोरेट किया है इसको, इसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। अभी मैंने ऐसे ही रख दिया, तो आज मेन काम ये रहेगा। और मैं देखो ना के आ गई थी पीछे का, अभी मतलब इतना ज़्यादा जो अच्छा अच्छा सा नहीं दिख रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने वाला है। और पापा की फ़ोटो को मैं एक अच्छे से फ्रेम में बनवाना चाहती हूँ। मतलब ये फ्रेम है ना, देखो ओल्ड हो गया, काफ़ी पुराना है ये, तो थोड़ा इसको मैं चाहती हूँ कि थोड़ा नया बन जाए। तो आज मैं जाऊँगी शॉप पर और इसको अच्छे से एक नया फ्रेम बनवाऊँगी और फिर उसको यहाँ पर लगाऊँगी, ये वाले पर। तो मेरे बिल्कुल सिरहाने पर यहाँ पर पापा की फ़ोटो रहेगी और ऊपर की साइड ये सीनरी आ जाएंगी। सलाम इश्क, मैं ये बॉयल कॉर्न खाने वाली हूँ क्योंकि मेरे को भूख लगी है और मुझे बॉयल कॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ साथ अगर नींबू और इस पर मसाले वसाले डल जाए तब भी अच्छी लगती है, बट कभी कभी मुझे फीका खाना पसंद है तो आज मैं ये खा रही हूँ। यहाँ पे बैठूंगी मैं। ओ व्हाट इज दिस गाइस, ये देखो नाइस। हमेशा मेरी जिंदगी में ऐसे प्रैंक हुए ना हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी गाइज ऐसे ही मैं घूमते घूमते बाहर आई हूँ, शॉप पे जाना है मेरे को कुछ सामान लेने के लिए, थोड़ा कुछ खाने का मन है इसलिए जा रही हूँ मैं बाहर। और यहाँ पर आज धूप निकल रही है और धूप मेरे को ना चुभ रही है गंदे तरीके से। रूम के डेकोरेशन तो गाइज नहीं हो पाई, मे बी मैं शाम को करूं। अभी मेरे को ना एक कमेंट आया था और उस पर ये था कि मेरे को कोई ऐसा कुछ वीडियो या फिर कुछ सजेशन देना है कि जिससे अपना स्किन केयर किया जा सके। तो आज मैं एक फेस पैक बना रही हूँ अपने फेस के लिए और साथ में मेरे को स्टीम लेना है, तो उस वीडियो को मैं इससे थोड़ा सा अलग रखूँगी क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो व्लॉग में वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसका अलग से पार्ट बना रही हूँ। तो फिलहाल मैंने किचन में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया, सबसे पहले मैं स्टीम लूँगी और स्टीम लेने के बाद मैं अपने फेस को थोड़ा क्लीन करूँगी और उसके बाद मैं अपने फेस पर फेस पैक लगाऊँगी। और आज मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रैंक हो गया क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे और मैंने उनको सुखा दिया था और मैं सो गई थी, और जैसे ही मैं सोई ऐसे ही बारिश आ गई और मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। और अभी दिखाती हूँ आपको बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, ये देखते हैं।
अभी गाइस 5 बजे, ऐसे लग रहा है कि जैसे 6-7 बजे होंगे और अभी भी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। और इधर रखा है मैंने पानी बॉयल होने के लिए। ये कैसे हुआ? अभी इसको थोड़ा और उबलने देते हैं, फिर इसको मैं रूम में लेकर जाऊंगी। मैंने पानी गर्म किया था गैस और पानी उबल चुका है। अब मेरे को स्टीम लेनी है 5 to 10 मिनट्स के लिए। ग्लो स्टीम लेने से ही आ गया है। और देखो गाइस, मैंने अपने फेस पे फेस पैक लगा लिया है और अभी मैं जा रही हूँ घूमने के लिए बाहर। तो जब तक ये सूखता है तब तक मैं अपने कपड़ों पे प्रेस कर देती हूँ। और आज मैं ये प्यारा सा कुर्ता पहनने वाली हूँ। इसमें मैं चाह रही थी कि गेट रेडी विद मी भी करूँ। सो ये बहुत ही प्यारा सा कुर्ता है और इसके साथ मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या वियर करूँ। तो आज मैंने सोचा है कि इसके साथ ये वाली जींस चलेगी, तो इसको वियर करते हैं और देखते हैं कि कैसा लगता है। तब तक मैं इन कपड़ों पे प्रेस करती हूँ। प्रेस करने का काम बड़ा ही मुश्किल काम है और अभी मैंने ना रिंग लाइट जलाई हुई है क्योंकि शाम के 6 बजे हैं और बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है बाहर, मतलब अंधेरा हो रहा है और 5:30 के आसपास का टाइम है। तो मतलब रूम में ज़्यादा उजाला हो नहीं पा रहा है, तो मेरे को इधर से इसको बंद करना पड़ेगा। अब हुआ अंधेरा, कैसी लग रही होगी हमें। आज बहुत दिनों के बाद मैंने अपने बालों की चोटी बनाई है जो कि मेरे को बड़ी छोटी सी टिनी मिनी सी लग रही है, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि इसको खोल देती हूँ। गाइस, अभी मेरे को ये एक पार्सल मिला है जो कि मेरा प्रमोशन वीडियो के लिए है। अभी मेरे को नहीं पता है कि इसके अंदर क्या है, तो देखते हैं। मेरे को कुछ निकालना पड़ेगा जिससे मैं उसको ओपन करूँगी क्योंकि उसकी पैकिंग ना कुछ ज़्यादा ही पैक है। इधर तो कैंची भी नहीं है यार। इधर गाइस मेरे पास ना ये तुलसी की माला रखी हुई है। ब्रो, अरे का यूज करती हूँ मैं, फाइलर का। इतनी खतरनाक पैकिंग भी मैं आज ही देख रही हूँ। मेरे को तो ये लग रहा है कि ये पूरी की पूरी टेप ही है। अरे ये मेरे को रिसीव हुआ है। वैसे भी बहुत कपड़ों की कमी चल रही थी मेरे पास, कुछ तो आया। नाइस, ठीक है। इस जिम वियर है और इसके साथ साथ मेरे को एक पैंट भी मिली है। तो अब मेरे को ये पहन के इनका प्रमोशन वीडियो शूट करना पड़ेगा। और इनका जो स्टफ है ना कपड़ों का, काफ़ी अच्छा है। लेगिंग्स का भी अच्छा है और उसका भी अच्छा है। तो गाइज़ अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। वैसे भी इस वाले पार्सल को, इन दो कपड़ों के लिए मैं इतनी ज़्यादा परेशान हुई हूँ। ये सारी देखो, इतनी सारी टेप मेरे को उतारनी पड़ी। तो अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आज का व्लॉग मेरे को पता है कि छोटा होगा और मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी थी बट मैं नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी।
बट आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।